हेलो फ्रेंड, स्वागत हमारे जीएसएम राकेश चैंप पर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको 4G PN जो कि नेटवर्क IC होती है, इसको रिवॉल्विंग करने का परफेक्ट तरीका बताऊंगा और ये कौन सी स्टेंसिल से रिवॉल्विंग होती है वो भी यहां पर आपके बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग मेरे लिए व्हाट्सएप पर मैसेज डालते हैं, कमेंट भी करते हैं कि हमने 2G PA 4G PA चेंज कर दिया, WTR भी चेंज कर दिया, उसके बाद भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो 2G PA और 4G PA होता है उसको विदाउट रिवॉल्विंग करके लगा देते हैं और उसमें कोई ना कोई एक पिन या फिर दो पिन डिसकनेक्ट यानी कि कनेक्टेड नहीं होती है, उस प्रकार से जो लगाते हैं विदाउट रिवॉल्विंग के, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि नेटवर्क शो नहीं करते हैं। तो इसके लिए एक स्टेंसिल आता है, वैसे तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की स्टेंसिल मिलती है मॉडल बाई मॉडल और यहाँ पर ओनली PA की। तो देख सकते हैं ये 2G PA और यहाँ पर 3G 4G PA की यहाँ पर स्टेंसिल है, जो कि यहाँ पर MI6 की है, जो कि यहाँ पर MI Note 5, Note 5 Pro और Note 3 और 6X यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। बाकी का यहाँ पर यो 4G PA IC है, जो कि ज़्यादातर MI के फ़ोनों में नहीं, MediaTek और Qualcomm बारे बहुत सारे फ़ोनों में ये की तरीके की IC होती है और इसी स्टेंसिल से बन जाती है। बाकी का यहाँ पर स्टेंसिल भी आती हैं ओनली PMI PM और यहाँ पर नेटवर्क वाली जो RF और PIC होती है उनकी भी। तो यहाँ पर मैं इस स्टेंसिल से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इसकी जो IC है उसको आपको क्लीन करना है, जो साथ का PPD लगा हुआ है उसको आपको यहाँ पर क्लीन करना है। तो इसके लिए आपको डिसोल्डर वायर यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको डिसोल्डर वायर आपने यूज कर रखा है तो उतना बीच को आपको कट कर देना है और IC पर थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालेंगे और उसके बाद इसे आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है। अब यहाँ पर आपको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी जो पिन होती है कुछ अलग प्रकार की होती है, जैसे कि हम और कोई IC रिवॉल्विंग करते हैं तो उसकी पिन अलग प्रकार की होती है और इसमें जो ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये यहाँ पर क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो इसकी जो बॉल है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इसको आपको परफेक्ट क्लीन कर लेना है अच्छी तरह से, अगर कोई भी पिन रह जाती है तो उसको स्क्रेच करके आपको डिसोल्ड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लीनर लेना है, पेट्रोल थिनर कुछ भी ले सकते हैं, उससे आपको इसे सबसे पहले क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपको स्टेंसिल भी क्लीन करना होता है। अगर आपने स्टेंसिल यूज किया है तो उसमें जो डस्ट है या फिर यहाँ पर पेस्ट है वो यहाँ पर लगा हुआ रह जाता है, तो इसको भी आपको क्लीन करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। और ये ज़्यादातर दो तीन प्रकार की IC आती हैं और ये एक ही स्टेंसिल से, मुझे यहाँ तक लगता है कि मैंने बहुत सारी IC रिवॉल्विंग की हैं तो इसी से हो जाती है। बाकी का एक स्टेंसिल भी आती है इसकी ओनली नेटवर्क IC रिवॉल्विंग करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको काफ़ी समय से वीडियो नहीं लेकर आया हूँ स्टेंसिल और IC को लेकर, तो मैं लेटेस्ट जो IC आई है मार्केट में और स्टेंसिल आई हैं उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो भी लाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर हमारी जो IC है वो क्लीन हो चुकी है, एकदम चमचमाती हो गई है। उसके बाद यहाँ पर हम स्टेंसिल को रखेंगे और इसे हम सही पोजीशन में लगाएंगे और यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट काम ये है कि स्टेंसिल को सही जगह पर सही पोजीशन पर बैठाना। अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं तो एक दो पिन इधर उधर रह जाएगी और उसके बाद वो मिसिंग हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालना है और कोशिश ये करना है कि आपकी जो IC है वो एक ही बार में रिवॉल्व हो। अगर दो बार में रिवॉल्व होती है तो उसकी जो बॉल है वो छोटी बड़ी हो जाती है। और यहाँ पर आपको नीचे टिश्यू पेपर रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टिश्यू पेपर की जगह अगर आप कागज़ या फिर कुछ यूज करते हैं तो उससे परफेक्ट नहीं बन पाती है। टिश्यू पेपर मार्केट में बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है, 15 से 20 रुपये के पैकेट मिलता है, उसमें बहुत सारे फीसेस निकलते हैं, तो उसको आपको ले लेना है। उसके बाद आप SMD मशीन में अगर आपने 138 या फिर 183 का PPD यूज किया है तो 250 से 300 के टेम्परेचर सेट कर लेना है अपनी SMD मशीन में। तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक तरफ से हीट करना है और आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो हीट है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, कितने सेकंड बाद यहाँ पर जो मेल्ट होना शुरू हुआ है, तो इतना टाइम आपको लगना चाहिए, यानी कि
तुरंत ही यहाँ पर मेल्ट हो जाए, तो उससे क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो आप कितना भी टेम्परेचर पर आईसी को रिवॉल्व कर सकते हैं, बाकी का आपको कम टेम्परेचर पर आईसी को रिवॉल्व करते हैं तो स्टेंसिल फूलेगी नहीं और आईसी भी एक बार में रिवॉल्व हो जाएगी। तो देख सकते हैं हमारी जो आईसी है वो एक बार में ही रिवॉल्व हो चुकी है। एक बार मैं यहाँ पर हीटिंग से इसकी जो बॉल है वो अच्छी तरह से एक जगह पर कर देता हूँ, तो थोड़ा सा हीट देंगे यहाँ पर और इसकी जो बॉल है वो सही पोजिशन में पहुँच जाएंगी। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये अपनी सही पोजीशन में जो बॉल है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि जो ग्राउंड वाली पिन में बॉल बनी थी वो तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ग्राउंड की पिन इसमें भी होती हैं तो वो कनेक्टेड हो जाती हैं, तो बीच में आपका कनेक्ट होता है या नहीं होता है तब भी हो जाता है, बीच में भी एक दो तो हो जाती है, पूरा पिन ग्राउंड ही होता है और इसकी जो और पास की पिन है उसमें भी ग्राउंड होता है, तो इससे टेंशन ना ले। तो यहाँ पर हमारी जो आईसी है देख सकते हैं अच्छी तरह से यहाँ पर परफेक्ट यहाँ पर रिवॉल्विंग हुआ और एक ही बार में हुआ है, यहाँ पर कोई भी वीडियो को कट नहीं किया है और ना ही फास्ट फॉरवर्ड किया है। तो इस तरीके से आपको आईसी को रिवॉल्व करना है। अब यहाँ पर मैं इस आईसी को अलग रख देता हूँ, अब यहाँ पर दूसरी आईसी को रिवॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इसको भी आपको सबसे पहले क्लीन कर लेना है, इसका जो पीपीडी होता है साथ का उसको बिल्कुल अलग कर देना है, या फिर आपने किसी मदरबोर्ड में से आईसी निकाली है तो उसे आपको निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पर डिसोल्डर वायर लेना है, उसको यूज किया लिया है हमने अभी यूज किया है तो उतना बीच को कट कर देंगे, उसके बाद इसे क्लीन करेंगे। यहाँ पर क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, अगर इसे क्लीन नहीं करते हैं तो ये आईसी परफेक्ट नहीं बनेगी। बहुत सारे लोगों पर जो पी आईसी होती है, जो 4G और 2G आईसी होती है, फिर जितनी भी नेटवर्क आईसी होती हैं वो यहाँ पर अच्छी तरह से रिवॉल्विंग नहीं हो पाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। ईजी होने के बाद भी इस आईसी को रिवॉल्व नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग, और वो डायरेक्ट लगा देती है, कभी कभार चल जाती है बट नहीं चलती है कभी कभार। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि इसे आप एक बार रिवॉल्व करके ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके 100% नेटवर्क आएंगे अगर आपकी मदरबोर्ड बिल्कुल ओके है तो। तो यहाँ पर हमने आईसी को क्लीन कर लिया, उसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर ब्रश से क्लीन करेंगे, यहाँ पर पेट्रोल लेंगे हम, कोई भी ऐसा थिनर केमिकल या फिर कोई भी लिक्विड यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ पेट्रोल यूज करते हैं मदरबोर्ड क्लीन करने के लिए, स्टेंसिल क्लीन करने के लिए, आईसी क्लीन करने के लिए, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्लीन हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो स्टेंसिल है वो अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है, तो मैं दोनों तरफ से क्लीन कर लेता हूँ और जो भी डस्ट या फिर पेस्ट लगा हुआ है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो ये मैं तो यहाँ पर पेट्रोल ही यूज करता हूँ, आप क्या यूज करते हैं वो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो कैसा है, जो कि और लोगों के लिए भी पता चले और मैं भी उसकी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर हमने आईसी को अच्छी तरह से सेट कर लिया, अपनी जो स्टेंसिल है आईसी के ऊपर वो सेट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर हल्का सा पीपीडी यहाँ पर लगाएंगे। और ये चीज़ आपको ध्यान जरूर रखना है कि आपकी स्टेंसिल है वो हिलनी जुलनी नहीं चाहिए, यहाँ पर सेट होगी वहाँ पर ही होनी चाहिए और आईसी एक बार में रिवॉल्व हो, ये आप कोशिश यही करें कि आईसी आपकी एक ही बार में रिवॉल्व हो, तो उसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, आपकी जो बॉल है वो परफेक्ट एक ही साइज़ की बनेंगी। अब यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर हीट देंगे और ये यहाँ पर 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड के बाद मेल्ट हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इतना हीट रखना है कि 5 सेकंड या 10 सेकंड बाद ये मेल्ट हो। तो यहाँ पर हमारी जो बॉल है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है और देख सकते हैं यहाँ पर हमारी आईसी है वो रिवॉल्व हो चुकी है, तो इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, उसके बाद हम निकालेंगे, तो यहाँ पर इस तरफ से नहीं निकल लिया है तो हम पीछे से निकाल लेंगे और इसे ज़बरदस्ती ना करें, इसके फ्रंट डैमेज हो सकते हैं अगर ये नहीं निकल रही है, तो उसको आपको ऊपर से ब्लेड से क्लीन करके निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम फिर से हीट देंगे, इसकी जो बॉल है वो यहाँ पर एक साइज में कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे लिए जो नेटवर्क आईसी हैं उसको यहाँ पर रिवॉल्विंग करना चाहिए। तो अगर आपके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है और आपको लग रहा है कि हमारे मदरबोर्ड है वो ओके है, जो वो न्यू इस्मेटिक टूल में या किसी भी टूल में दे रखा है उसका सॉल्यूशन, तो वो ठीक है, तो आप एक बार कोशिश ये करें कि उसका जो 2G या फिर 3G 4G PA है उसको आपको रिवॉल्व करके एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके नेटवर्क वो ज़रूर आएंगे। तो देख सकते हैं हमारी जो आईसी है वो ये अच्छी तरह से परफेक्ट यहाँ पर रिवॉल्विंग हो चुकी है, दोनों आईसी को मैंने एक बार में ही रिवॉल्विंग किया है और ये अच्छी तरह से वर्क भी करेगी। तो यहाँ पर ये आईसी मैंने दिखा दिया, अब मैं दूसरी वाली आईसी को भी दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर हमारी दोनों आईसी हैं वो यहाँ पर अच्छी तरह से रिवॉल्व हो चुकी हैं। तो हमेशा याद रखें,
अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा आईसी को रिवॉल्विंग करने के लिए, और अगर आपके पास स्टेंसिल नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग।